स्किन पर सेंचुरी लगाई है। संजू सैमसन ने 111 रन बनाए हैं। सूर्या 75 रन बनाकर आउट हुए हैं। सूर्य कुमार यादव ने 35 गेंद पर 75 रन बनाए हैं। तो संजू सैमसन ने 111 रन बनाए, सूर्या 75 रन बनाकर आउट हुए हैं। सूर्य कुमार यादव ने 35 गेंद पर 75 रन बनाए। हैदराबाद में संजू सैमसन ने सेंचुरी लगाई है और 40 गेंद पर ये सेंचुरी लगाई है, यानी 40 गेंद पर 111 रन बनाए हैं। वहीं सूर्य कुमार यादव ने 35 गेंद पर 75 रन बनाए। मनोज जोशी इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मनोज जोशी, संजू सैमसन की बात करें तो 40 गेंद पर 111 रन बनाए हैं, सूर्य कुमार यादव ने 35 गेंद पर 75 रन बनाए, कैसे देखते हैं आप इस परफॉर्मेंस को? देखिए, संजू सैमसन जो है उनका नेचुरल गेम ही यही है कि हिटिंग करना और लंबे लंबे चौके छक्के लगाना, जैसा कि उन्होंने आईपीएल में भी हमने शारजाह में देखा जिस तरह से बड़े बड़े शॉट्स उनको लगाते हुए काफी समय से जैसा वो चाह रहे थे वैसे ही वो बल्लेबाजी कर नहीं पा रहे थे। अगर आप श्रीलंका का दौरा देखें तो वहां पर भी उनकी बल्लेबाजी उस लेवल की नहीं थी, लेकिन यहां पर जिस तरह से उन्होंने रिशाद हुसैन जो कि लेग स्पिनर है जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में इस टीम के लिए सबसे ज्यादा बांग्लादेश की तरफ से विकेट चटकाए थे उस गेंदबाज को उन्होंने निशाना बनाया इस लेग स्पिनर को, और जिस तरह से ज्यादातर उनकी जो बाउंड्रीज थी जो छक्के थे वो सामने थे स्ट्रेट थे, एक पुल शॉट छोड़ दें अगर आप जो आखिरी छक्का उन्होंने लगाया वो एक ओवर में 5 छक्के लगाकर उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है और पूरी तरह चढ़कर खेले और 47 गेंदों पर जो उन्होंने 111 रन बनाए हैं 11 चौके और 8 छक्कों की मदद से, वाकई हमें ये संजू सैमसन, ये वाले संजू सैमसन चाहिए और वो वाले संजू नहीं जो लगातार जूझ रहे थे पिछले कुछ समय से। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हैदराबाद में संजू सैमसन ने सेंचुरी लगाई है। संजू सैमसन ने 40 गेंद पर सेंचुरी लगाई है और जिस तरह से मनोज जी ने जिक्र किया, देखिए ये वाले संजू सैमसन जो हैं वो चाहिए गेम में। भारत ने बांग्लादेश को 298 रन, भारत ने अपना बेस्ट T20 मैच 298 रन का टारगेट दिया है। भारत ने अपना बेस्ट T20 टोटल बनाया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।